हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा भी सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमने जो प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्र तथा सिद्धांत की श्रृंखला शुरू की है, उसी श्रृंखला में मैं आज 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो अलंकार संप्रदाय तथा सिद्धांत से लिए गए हैं, जिसके प्रतिष्ठापरक आचार्य भामा जी हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन से आप अवगत होते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अलंकार संप्रदाय के 60 प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं तो ये है भामा जी। फिर दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि जी ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, उसमें उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये 4 अलंकार का उल्लेख भरत मुनि जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया है? तो यह किया है भामा जी ने। फिर अगला प्रश्न है, भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो भामा जी ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है, उसमें से 2 शब्द अलंकार हैं, जो अनुप्रास और यमक हैं, और 36 अर्थ अलंकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो आचार्य दंडी ने 39 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 4 शब्द अलंकार बताए हैं, अनुप्रास, यमक, चित्र, प्रहर, लेखक, और बाकी सब अर्थ अलंकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया है? तो यह उद्भट जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो उन्होंने 41 अलंकारों का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? तो यह वामन जी ने माना है। इन्होंने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है। फिर अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है वामन जी की। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वात्सव, औपमेय, अतिशय और शलेश किए हैं? तो यह 4 वर्ग रुद्रट जी ने किए हैं। फिर अगला प्रश्न है, कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो कुंतक जी ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में किस आचार्य ने रखा है? तो यह भोज जी ने रखा है। इन्होंने इन 3 अलंकारों को उभय अलंकार की कोटि में रखा है। फिर अगला प्रश्न है, अन अलंकृति पुनः क्वापि किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति मम्मट जी की है। फिर अगला प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता है शोभाकर मित्र। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ रचना की? तो यह हेमचंद्र जी ने की। उन्होंने खुद के ही ग्रंथ पर, जिसका नाम है काव्य अनुशासन, खुद ही टीका ग्रंथ रचना की है। फिर अगला प्रश्न है, एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो एकावली के रचयिता है विद्याधर जी। फिर अगला प्रश्न है, प्रताप रुद्र शोभा शोभ भूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इस ग्रंथ की रचना विद्यानाथ जी ने की है। फिर अगला प्रश्न है,
तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया है, यानी कि दो नवीन अलंकार बनाए हैं वो किसने, तो वो विश्वनाथ जी ने बनाए हैं। फिर अगला प्रश्न है, कुवल या नंद चित्र मीमांसा वृत्ति वार्तिक नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की है, तो इन ग्रंथों की रचना अपैया दीक्षित जी ने की है। फिर अगला प्रश्न है, त्रिस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया है, तो इस अलंकार का निरूपण पंडित राज जगन्नाथ जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न, किस आचार्य ने सत्याध्याय वसती नामक नवीन अलंकार की कल्पना की, तो यह भी पंडित जगन्नाथ जी ने ही की है। फिर अगला प्रश्न है, मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हैं गोविंद ठाकुर जी। मम्मट जी का जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसकी टीका लिखी है, जिस टीका का नाम है प्रदीप टीका, तो वह गोविंद ठाकुर जी ने की है। फिर अगला प्रश्न है, उद्धोतय नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रेरणता कौन है, जब ये गोविंद ठाकुर जी ने प्रदीप टीका लिखी तो किसे प्रेरित होकर लिखी, नागेश जी से। फिर अगला प्रश्न है, अपैया दीक्षित के ग्रंथ कुवल या नंद की अलंकार चंद्रिका टीका के रचयिता कौन है, तो ये है वैद्यनाथ जी। फिर अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरु मर्म प्रकाश टीका के रचयिता कौन है, तो इसके भी नागेश जी ही हैं। फिर अगला प्रश्न है, अलंकार कौस्तुभ नामक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं विश्वेश्वर पंडित जी। अगला प्रश्न है, अलंकार प्रदीप अलंकार मुक्तावली रस चंद्रिका और कविंद्र कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसके भी रचयिता विश्वेश्वर पंडित जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का सातवां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है, तो यह राजशेखर जी ने कहा है। राजशेखर जी ने अलंकार को वेद का सातवां अंग माना है और उसको वेदार्थ का उपकारक कहा है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य शोभा कराने धर्माने अलंकराने प्रत्यक्षते किसका कथन है, यह कथन आचार्य दंडी जी का है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणिति भंगी का भेद माना है, तो यह भेद कुंतक जी ने माना है। फिर अगला प्रश्न है, सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है, तो यह कथन कुंतक जी का है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णतारहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है, तो यह जयदेव जी ने माना है। जयदेव जी ने कहा है, अगर काव्य बिना अलंकार के है तो वो ऐसा है जैसे किसी अग्नि में गर्मी नहीं है, तो यह जयदेव जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ, तो यह भरत मुनि जी के द्वारा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है, तो यह उद्भट जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रेरणता कौन है, तो इसके प्रेरणता गंगादास जी हैं। फिर अगला प्रश्न है,
तद दोषो शब्दार्थी सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। यह कथन किसका है? यह कथन भी मम्मट जी का है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? तो यह कथन है, यह उद्भट जी के अनुसार है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? तो यह वामन जी ने माना है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो यह आनंद वर्धन जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दंडी जी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, आनंद वर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो आनंद वर्धन जी ने 3 गुणों का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का समावेश रहता है। फिर अगला प्रश्न है, पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो उसमें प्रसाद का समावेश रहता है। फिर अगला प्रश्न है, वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका वर्णन सबसे पहले नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं? तो भारतीय नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्र में 3 काव्य वृत्तियां मानी गई हैं, जिनके नाम है उपनागरिका, परुषा और कोमल। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां मानी गई हैं? तो यह 4 मानी गई हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी। फिर अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो श्रृंगार रस में वैदर्भी रीति प्रयुक्त होती है। फिर अगला प्रश्न है, दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? तो दंडी जी ने 10 काव्य दोषों का वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरत कृत जो नाट्य शास्त्र है उसमें सर्वप्रथम काव्य दोषों का वर्णन मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के बताए गए हैं, पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ये 5 दोष हैं जो काव्य दोष बताए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ? तो यह भी नाट्य शास्त्र में ही हुआ। फिर अगला प्रश्न है, उद्भट कृत काव्य अलंकार सार संग्रह की टीकाएं कौन सी हैं? तो यह 2 टीकाएं हैं इसके ऊपर। पहली है, राजा नक तिलक कृत उद्भट विवेक। फिर दूसरी है, प्रतिहारेन्दु राजकृत लघु वृत्ति। फिर अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखी? यह आचार्य विश्वेश्वर ने लिखी। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनीय लोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? तो यह भी आचार्य विश्वेश्वर ने ही लिखा। फिर अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता राजशेखर जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं अभिनव गुप्त जी। फिर अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं विश्वनाथ जी। फिर अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की?
तो यह जगन्नाथ जी को प्रदान की थी। तो जगन्नाथ जी को पंडित राज की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने 60 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और अपनी हिंदी को नई दिशा देते रहिए।